नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। इन दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ के बीच जमकर घमासान चल रही है। कभी भाषा के विवाद को लेकर तो कभी फिल्मों को लेकर ये विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कन्नड़ फिल्मों के स्टार किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच छिड़ी ट्वीट की जंग में कई बॉलीवुड स्टार और कर्नाटक के नेता भी इसमें कूद पड़े थे, लेकिन बाद में दोनों अभिनेताओं ने विवाद को आपसी तरीके से सुलझा लिया था। फिर भी अभी भी कई लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा और केजीएफ चैप्टर 2 की सफलता के बाद लोगों ने बॉलीवुड पर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड तमिल फिल्मों की कॉपी करके फिल्म बनाता है, लेकिन कई बार साउथ में भी हिंदी फिल्मों को कॉपी करके ही फिल्में बनाई जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन कौन से फिल्में हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन की हिंदी फिल्म पिंक। पिंक ने सिनेमाघरों में खूब सुर्खियां बटोरी थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी हिट साबित हुई थी और यह फिल्म उस समय में खूब चर्चा में आई थी। वहीं इस फिल्म की सफलता के बाद तमिल में भी ये फिल्म नेरकोंडा पारवाई के नाम से रिलीज की गई थी। पिंक की रीमेक में बनी इस फिल्म ने साउथ में ताबड़तोड़ कमाई भी की थी। वहीं बात कर ली अगली फिल्म की तो आयुष्मान खुराना, तब्बू और राधिका आप्टे स्टारर फिल्म अंधाधुन 2018 में रिलीज हुई थी। अंधाधुन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट फिल्म थी। दरअसल कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की थी और इस फिल्म की सफलता के बाद मलयालम में ड्रामम और तेलुगु में मेस्ट्रो के नाम से इस फिल्म पर बेस्ट फिल्में बनाई गई थी और वह फिल्म भी काफी ज्यादा सुपरहिट साबित हुई थी। वहीं अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म वेडनेसडे की कहानी उस समय लोगों को काफी पसंद भी आई थी, जहां खुद भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस फिल्म के बारे में बात की थी। वहीं साउथ में भी इस फिल्म का रीमेक बना और इसका नाम उन्नी पोल ओरुवन था। वहीं नीरज पांडे और कमल हसन ने इसकी कहानी लिखी थी और फिल्म भी काफी हिट रही थी। चेतन भगत के नॉवल पर बनी फिल्म थ्री इडियट्स ने भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे। इस फिल्म में आर माधवन, शर्मन जोशी और आमिर खान थे। फिल्म की स्टोरी लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरीके से छा गई थी और धमाकेदार कमाई करने वाले इस फिल्म का भी रीमेक साउथ में बना था और वहां भी इससे अपना परचम लहराया था। तमिल में भी ये फिल्म ननबन के नाम से रिलीज हुई थी। वहीं अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म ओ माय गॉड भी दर्शकों के बीच खूब पसंद की गई थी। ये एक पारिवारिक फिल्म थी और इसलिए भी वह बड़े बूढ़ों तक भी आसानी से पहुंचे थे। इस फिल्म की कहानी से भी लोगों को काफी ज्यादा रिलेट कर पाई थी। वहीं साउथ में भी इसके रीमेक फिल्म गोपाला गोपाला बनी थी। साउथ में इस फिल्म को भी काफी अच्छा कमाई की थी। वेल, ये थी मूवीज की लिस्ट जिसे साउथ में रीमेक करके बनाया गया है। वेल, इनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेल, अभी केस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।